टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब सुना लागना तेरे जैसा कोई और प्यारे रंग दे ओ प्यारे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे बस अपने ढंग में रंग दे प्यारे सर, मैं आफरीन बात कर रही हूँ। सर, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और पता नहीं क्या बता रहे हैं, किसी गडाप टाउन में हूँ। हेलो सर, हेलो हेलो, अच्छा लगता है मेरी मदद सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। ना बाजी ना, पुलिस को कॉल ना करियो, मैं किसी झंझट में नहीं फंसना चाहता। तू बेशक मुझे मार दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। छोड़ो, नहीं मार रही मैं तुम्हें। पकड़ अपना फोन। उमर, बात हुई आफरीन से? क्या कहा उसने? अजान पसंद है ना उसको? हाँ, उसने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। हाँ, अच्छी बात है, बहुत बड़ा फैसला है उसके लिए और हमारे लिए भी। अरे अक्लमंद लड़की है, अक्ल से ही फैसला करे। देखो आफरीन, जिस तरह तुम्हें अपनी अम्मी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे घर को तुम्हारी ज़रूरत है, तो हमारे घर को अपना बना लो। तुम्हारी अम्मी की ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी मेरी, बस तुम मुझसे शादी करो। लंग कैंसर डायग्नोस हुआ है। अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हो तो जाएंगी,
अगर आज से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो। बेटा, मेरे जीते जी शादी कर ले। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उमर खान जब तुमसे बात करें तो सोच समझ के बात करें, कोई भी फैसला हो जज्बात में मत लेना। आफरीन तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। शुक्रिया। अम्मी कैसी हैं? इलाज चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। मरियम मैम, मुझे सर उमर से कुछ जरूरी बात करनी है, क्या वो है? मरियम, मरियम वो करो बात। अरे आफरीन, तुम करो बात, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ। मरियम, एक्चुअली कुछ ऑफिशियल मैटर्स पर बात करनी थी मुझे आफरीन से। क्यों नहीं, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ आप लोगों के। मैं तो खुद तुमसे मिलना चाह रहा था, अच्छा किया कि तुम आ गई। सर आप जानते हैं कि अम्मी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया। तो फिर क्या फैसला है तुम्हारा? ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। आपका जो भी फैसला होगा मेरा जवाब इनकार नहीं है। सो थैंक यू सो मच। तुम तो बहुत बेवकूफ लड़की निकली, इतना जज्बाती फैसला क्या सोचकर किया तुमने? कम से कम अपनी मां के बारे में ही सोच लेना था, जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। बहनों के फ्यूचर का कुछ पता नहीं, आता ही अपॉर्चुनिटी को ऐसे गवाता है क्या? मैं तो तुम्हें बहुत अकलमंद समझता था, तुम तो बहुत ही सेल्फिश लड़की निकली। अगर मैं सेल्फिश हूं तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा देना चाहता हूं, मजाक नहीं है ये। तो फिर मैं कैसे सेल्फिश हुआ? तुम्हें तुम्हारी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कबूल कर रहा हूं, तो मैं गलत कहां हूं बताओ? लेकिन मैं ही क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। कब से? जब से तुम्हारा और आसान का वीडियो वायरल हुआ था तब से। उसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। नया मैनेजर मैं खुद लेकर आऊंगा, आज से ये चीजें मैं खुद हैंडल करूंगा। तो मुझे पता चला कि तुम्हें जॉब चाहिए है और तुम किसी गारमेंट कंपनी में जा रही हो जॉब के लिए। हेलो, किसकी कॉल थी? खान गारमेंट से कॉल थी, एक जॉब ऑफर की है। बस उसी वक्त मैंने हायरिंग एजेंसी पर दबाव डाला और
तुम्हें अपने ऑफिस में बुलवाया। आफरीन आओ बैठो प्लीज। तो क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें किस पोजीशन के लिए बुलाया है? तुम्हें अपने सामने देखकर मेरी मोहब्बत और भी मजबूत हो गई। तुमने मुझ पर जब चाय गिराई थी और उसके बाद तुमने अपने नाजुक हाथों से उसे पोंछा था, तब से तुम्हें पता है जब भी तुम अजान के करीब जाती हो या उसे बातें करती हो तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूं, जेलस हो जाता हूं मैं। अब अगर ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है? क्यों ना हो? तुम्हारे पूरे के पूरे वजूद ने मुझे अपने शहर में गिरफ्तार जो कर लिया है। मेरी हो जाओ प्लीज। प्लीज प्लीज सर, बस कर दे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी हो जाओ प्लीज, मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगा। अपना नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में ही सोच लो। अम्मी ये जानने के बाद खुश होंगी, चीते जी मर जाएंगी। शायद सर मैंने ही आपको जानने में गलती कर दी। आपकी जितनी कदर थी मेरी नजरों में, उतनी गिर चुकी है। क्यों क्यों आफरीन, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? प्रपोज ही तो किया है तुम्हें और तुमसे मोहब्बत ना करना मेरे बस में नहीं है। और इसी वजह से आप ये डील कर रहे हैं, शादी के बदले मेरी माँ का इलाज? उसमें क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है इसमें? बस कर दे, बहुत हो गया। ना मुझे कुछ सुनना है ना मैं सुनना चाहती हूँ। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ, आपको आपका जवाब मिल चुका है। थैंक यू सो मच। चाय तो पी दीजिए। इसे क्या हुआ? उमर, आफरीन को क्या हुआ है? क्या बताऊं आपको, आप सुनेंगी तो खुद परेशान हो जाएंगी। अरे क्या हुआ? अजान के बारे में बुरी बुरी बातें कर रही थी। चलो वो तो मैंने बर्दाश्त कर ली क्योंकि लड़कियों में उसकी रेपुटेशन वैसे ही खराब है, लेकिन इससे तो मुझे भी हैरान कर दिया। बताओ भी ऐसा क्या कह दिया? मुझसे शादी करना चाहती है ये इडियट। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली कैसे हो सकता है ऐसे? क्या सोचकर इसने ये बात की है? एवरीबॉडी नोज के मैं अपनी मरहूम बीवी की जगह किसी और को नहीं दे सकता और इसके ख्वाब तो तोड़ ही दिए मैंने, लेकिन सीरियसली मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं इस लड़की से। हद कर दी इस लड़की। सही कह रहे हो तुम, मैं इसको क्या समझती थी और ये क्या निकली? इसका तो साफ मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे। अजीब लड़की है ये तो, जानती है कि अजान इस वक्त कर्जों में डला हुआ है, डूब चुका है वो, सिर्फ और सिर्फ तुमसे फायदा मिलेगा उसको। Exactly. अरे, मैंने तो जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी इस पे यकीन करके। देखे ना मरियम, किसी की नियत उसके चेहरे पर तो नहीं लिखी होती ना। बट एनीवेज मैंने सर जॉब से निकाल दिया।
बिल्कुल ठीक किया तुमने। अच्छा हुआ शादी से पहले इसकी असलियत सामने आ गई, वरना मेरे अजान की जिंदगी तो तबाह बर्बाद हो जाती। और पता है अजान ने तो इससे शादी से हाँ भी कर दी। नहीं नहीं मरियम, अजान को आफरीन की असलियत का पता नहीं चलना चाहिए। वो पहले ही टूटा हुआ है, मजीद बिखर जाएगा वो। नहीं नहीं भाई, मैं किसी से भी ये जिक्र नहीं करूंगी, फिक्र मत करो। तो क्या करती हो मरियम, बना बनाया खेल बिगाड़ देती। क्या जरूरत थी आजान से शादी की बात करने की? अगर ये लोग आपस में तय कर लेते मेरे तो सारे प्लान पर पानी फिर जाता। खैर, इस आफरीन को तो मैं अपना बनाकर ही दम लूंगा। आपी, आपने इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ दी? कोई अच्छी जॉब नहीं थी, ऐसी जॉब को मैं क्या करना जो मेरा सारा वक्त ही खा जाए। तो आप ही देखे ना कितना टाइम हो गया, आपको कोई नई जॉब मिल ही नहीं रही, तो फिर वही वाली कर लेती। कैसे कर लेती जॉब? और अम्मी को कौन संभालता, कौन लुक आफ्टर करता? उस जॉब में ना दिन का पता था ना रात का। तो आप ही अब आपको नई जॉब कैसे मिलेगी? बेटा मिल जाएगी, ढूंढ तो रही हूँ, देखो ना ढूंढने से मिलती है ना। मैं तो खुद परेशान हूँ कि अम्मी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठे होंगे। हेलो, वसीम साहब बात कर रहे हैं? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मरियम जानती है, इस वक्त मेरा नया गाना इंटरनेट पे सुपर हिट चल रहा है, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग पे है। अरे वाह, मुबारक हो तुम्हें बहुत। इसलिए मरियम मैंने सोचा है कि इस गाने को किसी प्रॉपर म्यूजिक लेबल के थ्रू रिलीज करो, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। आफरीन को फोन ट्राई करो, आफरीन फोन ही नहीं उठा रही, जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है मैनेजर की, मैडम गए। तो अभी भी उसको याद कर रहे हो? उसको गए हुए तो एक महीना हो गया है, और ये ना भूलो कि उसने तुमसे शादी से भी इनकार कर दिया था और इस जॉब से भी। हम उसको क्या समझ रहे थे और वो ऐसी निकली। बहुत अफसोस है मुझे, बहुत। नहीं मरियम, मेरा मानना यह है कि उसने एक अच्छा फैसला किया, और आपको उसकी एक फैसले की वजह से उसे इस तरह जज नहीं करना चाहिए। वो काफी अच्छी लड़की है। Anyway, मैं चलता हूँ।
ओके। हेलो, आप वसीम साहब बात कर रहे हैं? जी जी, एक्चुअली मैंने अखबार में आपका इश्तहार देखा था। आप लोन देते हैं? एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की अशद ज़रूरत है, अगर आप मदद कर सकें तो। जी पैसे तो हम देते हैं, एक किडनी के 2.5 लाख, दो किडनी के 5 लाख रुपए। जी क्या मतलब आपका? मतलब ये मैडम कि हम किडनी लेके पैसे देते हैं। नहीं, माजरत के साथ, आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने किसी गलत जगह नंबर डाल कर दिया। शुक्रिया। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको पता है आप पूरे 1 महीने के बाद आ रहे हैं, कहाँ थे इतने दिन आप? अच्छा, तो आपने मुझे मिस किया? बहुत मिस किया मैंने आपको। क्यूट। You know, मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। After all, आप सभी बहनों में सबसे ज़्यादा क्यूट आप हैं। Oh wow! आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं बड़ी होती ना तो मैं ज़रूर आपसे शादी कर लेती। Is it? वाकई में? तो फिर मैं भी आपसे शादी कर लेता। आपी, ये देखें, अजान में लिए चॉकलेट्स लाए। चलें ऐसे करें, आप दोनों आपस में बातें करें, मैं मम्मी को देख कर आती हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। और मम्मी कैसी हैं? इलाज तो चल रहा है लेकिन मम्मी सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, बहुत तकलीफ में है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ये मरहला ही ऐसा है। आफरीन, फिक्र मत करो, I'm sure आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। एनीवे, कोई चीज है मेरे पास। क्या? कि मैं नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए और वैसे भी अजान मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ। अरे ये कोई फेवर नहीं है, ये तुम्हारा कमीशन है, तुम्हारा हक। यू रिमेम्बर, तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था, ये उसी का कमीशन है। दिस इज योर राइट, टेक इट। लेकिन क्या, जब तुमने जॉब साइन की थी, डोंट यू रिमेम्बर द कॉन्ट्रैक्ट? उसमें साफ साफ लिखा था कि मैनेजर को हर डील पे 5% कमीशन मिलेगा, एंड दिस 5 लाख रुपीस इट्स अ कमीशन। टेक इट, इट्स योर्स। थैंक यू। मेंशन नॉट, एक्चुअली थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। वैसे अच्छा किया तुमने शादी से इनकार करके। फिर मिलेंगे।
कितना अजीब इंसान है और कितना मुश्किल है इसे समझना। कभी तो ऐसा हो जाएगा जैसे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, और कभी ऐसा हो जाएगा कि इससे बेहतरीन इंसान हो ही नहीं सकता। क्यों शराब पी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? इतने टैलेंटेड तो है, क्यों अपनी लाइफ अपने हाथों से खराब कर रहे हैं? ऐसे शायद खुद भी नहीं पता ऐसे क्या चाहिए। कभी तो मुझे तरह तरह के नामों से चिढ़ाएगा, और कभी मेरी आंखों में देखकर इतनी रोमांटिक लाइंस बोलेगा। कितनी लंबी जिंदगी पड़ी है, और अगर जिंदगी ने साथ ना दिया तो तुम दोगी मेरा साथ? आज ये एहसास हो रहा है, ये लफ्ज, ये जज्बात, ये मोहब्बत, ये धुने सब तुम्हारे लिए थी आफरीन, सब तुम्हारे लिए ही थी। आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैं पूरा मैनेजर, तुम्हारा किस बात का शुक्रिया? उनको मेरा गाना पसंद आया है। आपसे किसी बात की एक्सपेक्टेशंस रखनी भी नहीं चाहिए। तुमको बहुत जल्दी मैं अप्रिसिएशन दूंगा, बिल्कुल अपने अंदाज में। कहां वो दिन जब वो मुझे मीटिंग में ले जाने के लिए तैयार नहीं, और कहां आज का दिन जब इसने मुझे खुद का कमीशन ला कर दिया। जाहिर कितना एटीट्यूड दिखाता है ना, और अंदर से सबका उतना ही ख्याल करता है। शायद आफ़रीन तुमने इसे समझने में गलती की। काश उमर खान ने मुझे इसका प्रपोजल पेश किया होता, काश। एक तेरे आगे सब सूना लागे ना, तेरे जैसा कोई और प्यारे। इससे बेहतर लड़की हो ही नहीं सकती आफ़रीन। आफ़रीन तो मेरे दिल की दुआ है, नहीं मुझे आफ़रीन को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दरवाजा खोलो मायरा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें आप लोग। आखिर बात क्या हुई है, दरवाजा तो खोलो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, तंग मत करें मुझे। क्यों चले जाओ, मुझे बात करनी है। तुम्हें बाद में देखूंगी। अनीशा बेटा, तुम मम्मी के पास जाओ, उनके पास कोई भी नहीं है। लेकिन आप ही, मैंने कहा ना तुम जाओ, और मेरे बैग से पैसे भी लेते हुए जाना। ठीक है आप जाओ। मारा खुदा का वास्ते हम पे रहम करो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ मारा? सकती क्या हालत बना रखी है? मुझे पता हुआ क्या है?
आप मुझसे नाराज हो जाएंगी, आप मुझसे नफरत करने लगेंगी। आयरा प्लीज पहेलियां मत बुझो, मुझे डर लग रहा है, बताओ हुआ क्या है। आपकी आई एम प्रेग्नेंट। बताने से पहले मुझे जहर दे देती। आपी प्लीज मुझे माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो। मायरा तुमने हर हद पार कर दी है, मेरे माफ करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। आप ऐसा तो ना बोले, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। बस कर दो, ना तो मुझे तुम्हारी आवाज सुनी है ना ही शक्ल देखनी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये हकीकत है, ये कोई भयानक ख्वाब। एक तरफ अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुम हमारी इज्जतों से खेल रही हो। ये कौन सी आजमाइश है? क्या अम्मी ने तुम्हारी यही तरबियत की थी मायरा, और तुम उनकी तरबियत का ये सिला दे रही हो? मायरा तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? अगर उनको पता चलेगा तुम पे क्या गुजरेगी, वो जिंदा भी रह पाएगी या नहीं? लेकिन तुम कैसे अंदाजा लगा सकती हो? तुम्हें तो इन अयाशियों से फुर्सत नहीं है। बेहिस औलाद हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे हो सकता है? अभी आप मुझे मार दें, आप मेरा गला दबा दें प्लीज। मैंने सबकी लाइफ बर्बाद कर दिया ना, आप मुझे मार दें, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। इस खबर के बाद तो मैं खुद अंदर से मर गई। कब हुआ ये सब? आप भी मुझे कमरा बंद करके चली गए, मुझे आपके पास आना है, आप मुझे लेने आए। तुम जानती हो आंटी की तबीयत ठीक नहीं, सोचो वो तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो उनकी क्या बीती। मायरा No, I'm good. Have it. तुमको अच्छा लगेगा। क्या हुआ? पीजिए ना। नहीं बस बस इतना सा? कम ऑन मायरा, फिनिश इट ऑफ।
मुझे नहीं याद कि मैं कब बेहोश हुई, कैसे बेहोश हुई, पर जब मैं उठी तो मैं अजान के बेड पे थी। Look, I just wanted to cheer her. मैं चाहता था कि वो अच्छा फील करे। I don't know how it happened. कब रात बीत गई मुझे हरगिज नहीं पता। तो क्या मरियम मैम और सर उमर खान घर पर नहीं थे? वो लोग शहर से बाहर गए हुए थे किसी फैमिली बैठक में। I don't know where. मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि I don't feel anything for Maya. तुम अजान के पास गई क्यों? आप ही प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैं अजान के घर नहीं जाना चाहती थी, तो हॉस्पिटल आ रही थी। पर जब अजान ने मुझे ज्यादा रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि अम्मी के पास इस हालत में जाओगी तो वो परेशान हो जाएंगी, इसलिए उनके घर चले गए ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊं। आप ही मैं कुछ भी करूं पर मैं इतना नहीं गिर सकती। अजान को इसका हिसाब देना होगा। इसे छुओगी नहीं।